नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर तो मेरा नाम है दीपक गुप्ता एक ऐसी बड़ी और चौंका देने वाली खबर आप सभी के सामने रखने वाले हैं जो अपर्णा यादव से जुड़ी है अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामे हुए कई वक्त बीत चुका है काफ़ी वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक उनके बड़े पद को लेकर कोई ऐलान नहीं हो रहा नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां हैं कि वहाँ पर कोई जिम्मेदारी अपर्णा यादव को मिल सकती है लेकिन हर किसी को भरोसा था कि आजमगढ़ से ना सही तो मेनपुरी से अपर्णा यादव को जरूर कैंडिडेट के रूप में उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाएगा लेकिन वहाँ पर भी उनके नाम को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ तो आखिर ऐसा क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का खुलासा मायावती ने किया आप सभी को जानकारी दे दें कि मायावती ने कैसा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और सब की गठजोड़ थी यानी साठ गाठ थी इस चुनाव को लेकर कि रामपुरी आपका यानी बीजेपी का और मेनपुरी सपा का यह बात साफ थी और आजम को पता था कि उनके कैंडिडेट हारेगा इसीलिए उन्होंने अपनी बहुसिद्रा को आगे ना करते हुए जबकि आजम की शर्त अखिलेश के सामने यह थी कि मेरे को अपने परिवार से किसी को टिकट दिलवानी अस्पताल में बंदा था यानी कि अस्पताल में वो नेता थे आजम खान तब उन्होंने शर्त रखी थी तो अस्पताल में तो झूठ नहीं बोला होगा अस्पताल में तो ऐसी शर्त बिना किसी बात के रखी नहीं होगी लेकिन आसिम रजा को जो लोकसभा चुनाव में लड़े थे हारे थे उनको दोबारा कैंडिडेट बना दिया गया तो वहां पर हार छुपी थी लेकिन मेनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को आगे करना अपर्णा यादव को आगे ना करते हुए इस बात का सवाल का यहाँ पर खड़ा कर रहा है क्या सचमुच अखिलेश यादव के कहने पर बीजेपी ने कदम उठाया था क्योंकि अपर्णा यादव हारेंगी यानी कि जो कैंडिडेट मेनपुरी से खड़ा होगा वो हारेगा बीजेपी को ये पता था क्योंकि ये साठ गाठ थी ऐसा मायावती का कहना है आजम के खिलाफ धोखेबाजी हुई यहाँ से तो वहाँ से अपर्णा यादव के खिलाफ क्योंकि अपर्णा खड़ी होती तो ये वोट परसेंटेज बढ़ सकते थे क्योंकि अपर्णा भी तो मुलायम परिवार की बहू है वहाँ पर भी उनको समर्थन मिलता लोग उनको भी अपना प्यार देते ऊपर से ये भी देखते कि केंद्र में सरकार बीजेपी की राज्य में सरकार बीजेपी की तो मेनपुरी सीट पर भी सरकार बीजेपी की ला देते हैं जैसे रामपुर में हुआ वैसे यहाँ पर भी कर सकते थे लेकिन कई जानकारों का मानना है कि अपर्णा को इसीलिए आगे नहीं किया गया क्योंकि अगर अपर्णा को आगे करते तो उनकी हार तय थी और बीजेपी नहीं चाहती कि अपर्णा उनका साथ आई हाँ है तो अपर्णा को सीधे हरवा दें क्योंकि बीजेपी के साथ जो कोई बगावत करके आता है बीजेपी उसको बड़ा इनाम देती है चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति से उनको बड़ा पद दिया गया हार्दिक पटेल की बात करें गुजरात से उनको बड़े पद दिए गए सुनील झाखड़ की बात कर ले पंजाब से उनको बड़े पद दिए गए और बात कर ले साथ ही साथ इसके साथ साथ एक शिंदे की महाराष्ट्र

लेकिन बीजेपी की करारी हार भी हुई खतोली और मेनपुरी पर बीजेपी जो लगातार चुनाव जीत रही है आजमगढ़ की सीट उन्होंने जीती लोकसभा की रामपुर की लोकसभा की सीट जीती तो मेनपुरी में कहा मात खा गई क्या शिवपाल और चाचा चाचा शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी भारी पड़ी इन पर यह सचमुच यह साठ गाट का नतीजा था जिससे सपा पार्टी की जीत हुई और डिम्पल यादव की दो से ज्यादा मतों से जीत हुई इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा क्या बीजेपी जानबूझ कर अपना कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही या बीजेपी अपर्णा कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दे जिसको देखकर सपा पार्टी के कई कार्यकर्ता कई नेता बीजेपी में आने की सोचेंगे तो अपने राय कमेंट सेक्शन में जो रखेगा बहुत बहुत धन्यवाद